दिल्ली के विकास की चर्चा जब भी विदेश के नामचीन अखबारों और मैगजीन में की जाती है तब उसको लेकर राजधानी का सियासी पारा चढ़ जाता है। अब एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल में दिल्ली सरकार के कार्यों के जिक्र के बाद भाजपा ने इस पर चुटकी ली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सीएम सिर्फ सपने बेचते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली को झीलों का शहर बनाने से लेकर सिंगापुर बनाने का वादा मुख्यमंत्री ने किया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। इस दौरान दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि अगर 9 सालों में दिल्ली में विकास या सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है तो वह केंद्र सरकार के ही नेतृत्व में हुए है। उन्होंने आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि पहले भी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी के माध्यम से सुर्खियां बटोरी गई थी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था से लेकर मोहल्ला क्लिनिक और सौंदर्यीकरण का दावा दिल्ली सरकार का निराधार रहा है।